नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो रेवाड़ी में 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया है, रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन किया गया है। रेवाड़ी शहर में बृहस्पतिवार को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने चालक परिचालन चालकों के साथ वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 2 घंटे तक काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए, आप बताते कि रेवाड़ी बस अड्डा परिसर में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे संयुक्त मोर्चा रेवाड़ी डिपो के प्रधान राजपाल यादव ने बताया कि 23 जून को उनकी परिवहन मंत्री के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन्हें आज तक न तो लागू किया गया है, न ही लेकर उनको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यही वजह है कि रोडवेज कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष और आक्रोश है। इतना ही नहीं, रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि मौजूदा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति से आज प्रदेश के हर विभाग का कर्मचारी भी परेशान है। आप इस खबर बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट कर सकते हैं। क्या वाकई में ही हर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वो परेशान है जो आज की नीति लागू की गई है, जो सरकार ने जो नीति लागू की है, क्या उससे हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी परेशान हैं? अगर आप भी किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं और आप भी परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना न भूले। धन्यवाद।